हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सानू किचन। सानू किचन में आज हम बनाएंगे थ्रेड चिकन, जो बाहर से क्रंची होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है, उसे अच्छे से वॉश कर लिया है और पतली और लंबी साइज में उसे कट कर लिया है। अब कुछ मसाले हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। आप चाहे तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है, 1 अंडा ऐड किया है, 1 टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की है। अब सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें मसालों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि चिकन के सभी पीसेस पर मसाला अच्छे से लग जाए। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन पर कोटिंग अच्छे से हो जाए मसाले की। ये चिकन खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। 1 पैकेट मैंने चिंग चाइनीज चटनी का यूज किया है, ये ऑप्शनल है। फिर से हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 घंटे के लिए ढक्कन ढककर हम साइड पे रख देंगे। मैंने समोसे की पट्टियाँ घर पर बनाई थी, उसी की पट्टियों को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। जो समोसे की पट्टी हम काटते हैं और साइज पे से जो पीसेस बच जाते हैं, वही पीसेस को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। हमें इसे पतली पतली पीसेस में कट करना है। अगर आपने मेरी समोसे की रेसिपी नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर समोसे की रेसिपी देख सकते हो। समोसे की पट्टी बनाना भी मैंने शेयर किया है। ये देखिए, इस तरह हमें पतली पट्टियों में कट कर लेना है। ये हमने सभी पीसेस कट कर लिए। अब थोड़े पीसेस हम लेंगे, 1 चिकन का पीस लेंगे, और हम इस पट्टियों से चिकन को कवर कर देंगे। ये देखिए, इस तरह हमें इसे कवर कर देना है। अब दूसरा पीस लेंगे, उसे भी हम कवर करेंगे इस तरह। अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमने सभी चिकन के पीसेस को तैयार कर लिया है। अब हम एक गैस पर कढ़ाई रखेंगे और ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने पर हम चिकन के पीसेस ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है ताकि चिकन अंदर से टेंडर हो जाए और बाहर से क्रंची हो जाए। अगर हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो बाहर से क्रंची हो जाएगा और अंदर से हमारा जो चिकन है वह नहीं पकेगा। इसलिए हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। उलटते पलटते हमें इसे फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए, चिकन फ्राई हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। मैंने रमज़ान स्पेशल में बहुत सी रेसिपी शेयर की है।
आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसी तरह हम दूसरे भी पीसेस को फ्राई कर लेंगे। अब हमारा चिकन रेडी हो गया है, इसे हम अब ग्रीन चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।